मुजफ्फरनगर में रविवार को शिवसेना ने बीजेपी के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया और केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह का पुतला फूंकते हुए बीजेपी को चेतावनी दी है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी के कार्यालयों को आग के हवाले किया जाएगा। दरअसल कश्मीर में सेना पर पत्थरबाजी करने वालों को अपने ही बच्चे बताने वाले राजनाथ सिंह के बयान पर शिव सैनिकों ने मुजफ्फरनगर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र स्थित प्रकाश चौक पर राजनाथ सिंह का पुतला फूंकते हुए जमकर नारेबाजी की और बीजेपी को चेतावनी देते हुए कहा कि राजनाथ सिंह अपने बयान को वापस ले वरना उत्तर प्रदेश में सभी बीजेपी कार्यालयों को शिवसेना द्वारा आग के हवाले किया जाएगा। बीजेपी कार्यकर्ता लोकेश सैनी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि राजनाथ सिंह ने सेना पर पत्थर फेंकने वाले पत्थरबाजों को अपना भाई बताकर देश व देश के शहीदों का अपमान किया है। अगर केंद्र सरकार की ओर से इस तरह का कोई भी बयान आता है तो हम इसकी निंदा करेंगे। उन्होंने कहा कि राजनाथ सिंह को देश की जनता और देश के जवानों से माफी मांगनी चाहिए। क्राइम स्टोरी के लिए मुजफ्फरनगर से दीपक वस्त की रिपोर्ट। आज हमने राजनाथ सिंह का पुतला फूंका है। इन राजनाथ सिंह ने ये क्या कर दी, पत्थरबाजों को हमारे बच्चे हैं, पत्थरबाजी हमारे भाई हैं, ये क्या कर उन्होंने हमारे देश का अपमान किया है, हमारे देश के शहीदों का अपमान किया है। क्योंकि हमारे देश के जवान लगातार बॉर्डर पर शहीद हो रहे हैं, पाकिस्तान की तरफ से लगातार गोलियां चल रही हैं और हमारे राजनाथ सिंह केंद्रीय मंत्री गृह मंत्री क्या कर हमारे अपमान कर रहे हैं कि हमारे बच्चे हैं, हमें ऐसे मंत्री की जरूरत नहीं है। अगर हमारे देश के जवान हमारे देश के नागरिक शहीद होते हैं तो हम लोगों के लिए हमारे केंद्रीय सरकार को डूब के मर जाना चाहिए। तो बात तो करते हैं 56 इंच के सीने की, और 56 इंच के सीने जब दिखाने का नंबर आता है तो ये सीज फायर बंद कर देते हैं। फिर हम क्या उन्हें अपने बच्चे उठाने लगते हैं, कैसे बच्चे, जो आदमी हमारे जवानों पर पत्थरबाजी कर रहा है, हमारे जवानों पर गोलियां बरसा रहा है, हमारे देश में घुसे आतंकवादियों की रक्षा कर रहा है, वो कैसा हमारा। अगर इस तरह के किसी भी केंद्र सरकार की तरफ से इस तरह कोई भी बयान आएगा हम उसकी निंदा करेंगे और राजनाथ सिंह जी को देश के जवानों से देश के नागरिकों से माफी मांगनी चाहिए। अगर वे ऐसा नहीं करते तो हम केंद्रीय मोदी जी का मुतला फूंकेंगे और साथ में बीजेपी कार्यालय में आग लगा देंगे अगर उन्होंने इस तरह की कोई हरकत की तो, क्योंकि हमारा अपमान कर रहे हैं। क्या क्या हिंदुवाद की राजनीति कर रहे हैं, ये हिंदुओं का अपमान कर रहे हैं। कई गौ माता की कहते हैं गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित नहीं कर पाए तो क्या कर रहे हैं, क्या की राजनीति है। तो ये तो हमें लॉलीपॉप दे रहे हैं तो हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे।